जय हिंद सबको। तो ये इस तरह की बोतल्स हमारे घर में होती है जो खाली हो जाने के बाद हम फेंक देते हैं, जिससे वातावरण में कचरा फैलता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि ऐसे बोतल्स को हम लोग यूज़ करके कैसे खूबसूरत चीज़ें बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोतल के ऊपर में जो ये रैपर है, ये सब हटा करके अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो ये दिख रहा है भरा हुआ है लेकिन है नहीं, तो इसे साफ़ कर लेंगे अच्छे से। तो इसके ऊपर के कैप फट गया है और इससे मैंने इसे अच्छे तरह से रगड़ लिया है। अब इसे हम धोएंगे। तो अभी इस बोतल को हम लोग सूखने के लिए छोड़ देंगे, तब तक से हम लोग फ्लावर बनाना सीखेंगे। और वो फ्लावर को जो तिनका होगा उसे भी हम लोग पेंट कर लेंगे तब तक के लिए। तो चलिए इसे हम लोग छोड़ देते हैं और हम लोग फ्लावर एक बनाना छोटा सा सीखते हैं। मैंने चार्ट पेपर का ये लिया है। चार्ट पेपर आपको 5 रुपये मिल जाएगा मार्केट में। तो सबसे पहले इसे क्या करना है, ऐसे गोल सा कट कर लेना है। ठीक है, ऐसे गोल कर लेंगे इसे राउंड। अगर आपको बड़ा बनाना है तो बड़ा राउंड करना पड़ेगा, छोटा बनाना है तो छोटा। ये हो गया। अब इसे हम लोग ऐसे कॉर्नर से कट करना शुरू करेंगे। ये ऐसे इसके साथ में ये राउंड राउंड जाएगा। ये ऐसे हो गया और लास्ट में आपको ये इतना सा छोड़ देना है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, इसे ऐसे फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड करते जाइए इसे राउंड 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 ऐसे करके इसे फोल्ड करते जाइए। ये ऐसे करके इसे राउंड 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 करते जाइए। हो गया ऐसा। ये ऐसा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ग्लू लगाएंगे। ठीक है, तो ये ग्लू हम लेंगे, इसे ऐसे लेंगे और इसके यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसे लेंगे, इसे अच्छे से मोड़ने के बाद अच्छे से मोड़ेंगे, इसे थोड़ा सा श्रिंक करेंगे, छोटा करेंगे। ऐसे छोटा हो गया। छोटा करने के बाद ये हम लोग इसे ऐसे यहाँ पे दबा देंगे, फिर आप थोड़ा छोड़ेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, फिर इसे ऐसे दबा देंगे यहाँ पे। ये नीचे से जो है इस तरह से। ये जो एक फ्लावर हमने बनाया ऐसे करके, अभी हम लोग और भी कई सारे फ्लावर्स बनाएंगे। तो ये मैंने छोटे छोटे स्क्वायर्स कट करके रखे थे, तो उसे हम लोग राउंड शेप में भी कट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग उसे सबको मिला करके एजेस को राउंड कर लेंगे, फिर हम लोग कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि एक बराबर से कटिंग करने की कोशिश करेंगे। तो आपको जितने फ्लावर्स बनाने हैं उसके हिसाब से आप कटिंग कर लीजिएगा। ऐसे अप्रोक्स अगर 20 फ्लावर बन जाते हैं तो फ्लावर पॉट के लिए और टहनियों के लिए, दोनों के लिए फ्लावर इनफ हो जाएंगे। तो हम लोग ये सबको कट कर लेंगे बढ़िया से।
अब उसके बाद फिर इसको हम लोग मोड़ेंगे। ये आप किसी भी तरफ से मोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो चार्ट पेपर का शाइनी पार्ट होता है वो बाहर की तरफ होना चाहिए ताकि फ्लावर्स में शाइनिंग आए। ठीक है, तो अब इसके ऊपर पेस्ट लगा लेंगे ये और अच्छे से चिपका देंगे। तो ऐसे करके जितनी ज़रूरत है हमें, जितने फ्लावर्स, वो हम बना लेंगे। तो ये फ्लावर का काम जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसे हम लोग साइड में कर देंगे। अब हम लोगों को चाहिए, हम लोगों को चाहिए एक कोई छोटे पौधे का तिनका। तो ये मैंने बेसिकली एक बेर के पौधे का लिया है, बेर का कांटा यहाँ पे है, दिख रहा है। तो मुझे अभी ये बरसात का मौसम है तो मुझे कुछ मिला नहीं, तो ये बगल में था, मैं ये ले लिया हूँ। तो ये कांटा जो है इसका हम लोग ऐसे तोड़ देंगे इसका, ताकि ये चुभे नहीं ऐसे। अभी आप देखिएगा कि ये कितना खूबसूरत बनाया जा सकता है। तो इसे उसके कांटे को हम लोग तोड़ करके हटा देंगे। तो इसका पूरा कांटा हमने हटा दिया है। अब इसके ऊपर हम लोग ब्लैक कलर का पेंट करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास ये फेविक्रिल का ये है, पिटलाइट का है ये, ठीक है, ब्लैक पेंट है। तो हम लोग इससे ही पेंट करेंगे। तो ये ब्रश एक छोटा आप ले सकते हैं, 20 रुपये मिल जाता है। ऐसे करके इसके ऊपर पेंट करना है। ये हाथ गंदे हो सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पानी से इजीली साफ हो जाता है। ये पेंट हो गया है, अब इसे हम लोग सूखने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमने ये जो तिनका पेंट करके रखा था ये पूरी तरह से सूख चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे जो है ये फूल जो है हम लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फूल जो है वो लगाते हैं। तो ये ग्लू गन मैं यूज़ करूँगा फूल ये करने के लिए। ठीक है, तो इसे ये इंस्टेंट चिपकाने के लिए यूज़ होता है, क्राफ्टी गन भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो हम लोग इसे यूज़ करते हैं। यहाँ से देखिए ये ग्लू यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब इसे हम यहाँ पे चिपका देंगे। ये जो है यहाँ पर चिपक गया है। ऐसे करके हमें सारे फ्लावर्स को चिपकाना है। तो हमारा फूल का काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग बोतल की तरफ बढ़ेंगे जो हमने सूखने के लिए छोड़ा था। बोले हैं लेकिन वो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, सूख जाएंगे, हमें बाहर में अभी काम करना है। तो ये धागा है मेरे पास, ये धागा नॉर्मल धागा नहीं है, ये थोड़ा सा मोटा धागा है। तो अभी हम लोग इसे इसके ऊपर लपेटेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो इसे लपेटने के लिए हमें ये फेविकॉल चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये फेविकॉल को लेंगे और इसे इसके ऊपर ऐसे लगाएंगे इस तरह से। ये फेविकॉल लगा दिया, अब उसके बाद क्या करेंगे, ये हम लोग इसे लपेटेंगे। तो ये ऐसे लपेट दिया हमने, फिर इसे ऐसे लपेटते चले जाएंगे।
ये देखिए, ये इस तरह से, इस तरह से ऐसे करके आपको मोड़ते जाना है। ऐसे करके आपको मोड़ते जाना है और बीच बीच में ग्लू जो है लगाते जाना है ताकि ये बीच बीच में फिक्स होता रहे, ठीक है। तो ये ऐसे मोड़ देंगे तो ये हो गया लगभग। अब बस इसे, इसमें और कुछ है नहीं, इसे मोड़ते जाना है, मोड़ते जाना है। तो ये पूरा मोड़ लेंगे हम लोग। ये देखिए, पहचान में भी नहीं आ रहा है, ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा भी। तो ये हम लोग एक फ्लावर पॉट बोल सकते हैं या फ्लावर वेज बोल सकते हैं, ये हम लोग बना रहे हैं। तो ये भी देखिए ये कैसा खूबसूरत लग रहा है। अभी इसके ऊपर हम लोग फ्लावर जो है वो सजाएंगे, यहाँ पे इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके ऊपर अभी हम लोग सजावट करेंगे। इसके लिए हमें एक तिनका चाहिए, ठीक है। तो ये तिनका है मेरे पास, ये तिनका मैं लेकर के आया हूँ। तो इसे पेंट करने से पहले इसे हम लोगों को अच्छे से छिलना पड़ेगा। तो उसके लिए आप कोई एक कैंची लेकर के आप उसे ऐसे करके छिल सकते हैं। ऊपर का खुरदरा पार्ट जो है, छोटे मोटे जैसे कांटे वाटे होते हैं। ये जो तिनका मैंने पकड़ा हुआ है, ये फुटूस का है, हमारे झारखंड में इसे फुटूस बोलते हैं। तो आप लोग बता सकते हैं आप लोगों के एरिया में इसे क्या बोलते हैं, फुटूस को। फुटूस का फूल मैं आपको दिखा दूंगा, आप फोटो में देख सकते हैं। तो ये साफ हो गया है, ठीक है। अब हम लोग इसके ऊपर पेंट करेंगे। एक्रेलिक पेंट है, ठीक है, ये वाटर कलर नहीं है। ये मैंने लिया इसे और ये ऐसे इसके ऊपर पेंट करेंगे, ठीक है। तो ये इसी तरह से आपको पेंट करना है, इसे पूरी तरह से काला हो जाए। इसे थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। ये तिनका जो है पूरी तरह सूख चुका है। और ये देखिए, मैंने इसके कुछ कटिंग्स भी कर ली हैं, ये कुछ कटिंग्स। तो अभी हम इन्हें फिक्स करेंगे। तो अटैच करने के लिए हम ये ग्लूगन यूज़ करेंगे, ये फैडमैन का ग्लूगन मैंने लिया है, ठीक है। ये 200-250 रुपये में आपको मिल जाता है। तो ये हम यूज़ करेंगे। इसे गर्म होने देते हैं। तो ये पूरा गर्म हो गया है। तो अभी हम लोग इसके यहाँ पे हम लोग इसे लगाएंगे ऐसे, एक यहाँ पे हम ऐसे लगाएंगे। और एक हम लोग लगाएंगे यहाँ पे और इसे यहाँ पे ऐसे प्लेस करेंगे, ठीक है। ये देखिए चिपक गया। ग्लूगन हम लोग इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि ये मतलब किसी भी चीज को इंस्टेंट चिपका सकता है। अब हम लोग दूसरे पीसेस को चिपकाएंगे। इसे चिपकाएंगे ऐसे। चिपकाने से पहले एक बार मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कैसे लगाना है इसको, कैसे मतलब डिज़ाइन करना है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। ऐसे ऐसे रख करके एक बार देख लीजिएगा कि कैसा लगेगा, उसके बाद ही आप इसे चिपकाइएगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा ऐसे मुझे, ये देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो भी हम लोग इसे चिपकाएंगे। ये हो गया, ये देखिए ये कैसा लग रहा है, ये देखिए आप।
ठीक है, तो ये स्टेबल हो गया पूरी तरह से। अब हम लोग इसके ऊपर क्या करेंगे, ये फूल, तो अब हम इस फूल को यहाँ पे चिपकाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको चिपकाते हैं। तो इसे हम यहाँ पे देंगे, इसे हम यहाँ पे चिपका देंगे ऐसे। ठीक है, एक दूसरा फ्लावर लेंगे, उसे हम लोग यहाँ पे चिपकाएंगे। ये देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो हमारा जो फ्लावर वेस है वो तैयार है, ये देख सकते हैं। ये एक कितना मतलब मामूली सा बॉटल था, उसे हमने कैसा कर दिया है। तो ये दोनों ही चीज़ें बन करके तैयार हैं। तो अभी बस ये जो फ्लावर है उसे हम लोग फ्लावर पॉट में डाल देंगे, और इसे हम लोग जहाँ रखना चाहे वहाँ पे रख सकते हैं, स्टडी टेबल में या फिर टीवी के आसपास, सेल्फ में, कहीं पे भी रखेंगे, काफ़ी खूबसूरत लगेगा। ये बहुत ही सिंपल है और काफ़ी खूबसूरत है। आप अगली बार से किसी भी बोतल को फेंके नहीं, उसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं।